और बस्तर दशहरे की प्रसिद्ध रस्म रथ परिक्रमा का समापन बाहर रैनी रस्म के साथ हो गई है। रथ परिक्रमा की आखिरी रस्म बाहर रैनी के तहत मीडिया जाति के ग्रामीणों द्वारा परंपरा अनुसार 8 पहिए वाले रथ को चुराकर कमल कोट को ले जाया जाता है और इसके बाद राज परिवार द्वारा कुंभल डाक कोट पहुंचकर ग्रामीणों को मनाकर उनके साथ रथ नवाखानी खीर खाकर रथ वापस राजमहल लाया जाता है। वहीं इस रस्म में शामिल होने प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा और बस्तर सांसद दीपक बेज भी कुंभल कोट पहुंचे हैं। बस्तर में बाड़ा दशहरा विजयदशमी के एक दिन बाद मनाया जाता है, तो वहीं भारत के अन्य स्थानों में मनाए जाने वाले रावण दहन के विपरीत बस्तर में दशहरे का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। बस्तर राज परिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव के अनुसार प्राचीन काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, जो कि रावण की बहन सुपर्नखा की नगरी थी। इसके अलावा मां दुर्गा ने बस्तर में ही भस्मासुर का वध किया था, जो कि काली माता का एक रूप है। इसीलिए यहां रावण का दहन नहीं किया जाता बल्कि बड़ा रथ चलाया जाता है। और इस बाहर रैनी रस्म में असंख्य देवी देवता और छात्र और डोली इस रस्म में शामिल होते हैं। बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी से रथ की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात बस्तर में दशहरे के अवसर पर रथ परिक्रमा की प्रथा प्रारंभ की, जो कि आज तक अनवरत चली आ रही है। 10 दिनों तक चलने वाले रथ परिक्रमा के विजयदशमी दिन भीतर रैनी की रस्म पूरी की जाती है और इसके बाद राज परिवार द्वारा ग्रामीणों को समझा बुझाकर रथ को वापस भेजा जाता है। रथ को इस तरह वापस लाना बाहर रैनी कहलाता है और इस रस्म के पश्चात विश्व प्रसिद्ध रथ परिक्रमा की रस्म की समापन हो जाता है। आज का जो रस्म है, जैसे कि राजा बाहर रैनी के नाम से हम जानते हैं, इसमें राजा खुद बाहर आते हैं, क्योंकि आज का दो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सब जगह पे नया खाई बनाया जाता है, पूरे गांव में, हर एक गांव में नया खाई बनाता है, हर एक समाज अपना नया खाई बनाता है। बट ये एक ऐसा नया खाई जिसमें कि बस्तर संभाग के असंख्य देवी देवता यहाँ उपस्थित होते हैं और माँ दंतेश्वरी का छतर आज मेरे साथ आप देखे होंगे, पीछे जिया बाबा लेके आया छतर आता है, तो माता को भोग लगाया जाता है और जो चावल होता है वो हमारी रियासत के जो मंदिरें हैं और साथ साथ जो राजा की जो जमीन है उससे जो उपजाऊ चावल होता है उसकी खीर बनाई जाती है।